सेंटर आइए मैं आपसे की बात
थैंक यू। ज्यादा नीचे रखो यशवंत, फोन साइलेंस कर दे आपके सब आएंगे। कैसे वीडियो बना? आप सबने वीडियो देखा है, आपको अच्छा लगा। सो वी राजेश जी, जितिन जी एट यूनाइटेड वाइट फ्लैग, वी इज आवर इन हाउस साइंड आर्टिस्ट एंड दिस इज द फर्स्ट सॉन्ग विच यू नो इन यूनाइटेड वाइट फ्लैग वी वर गेट टुगेदर। एंड जब ये गाना कर रहे थे तो यू नो वी ऑलवेज वॉन्टेड अ वेरी ब्यूटिफुल फेस जो एक नेगेटिव रोल प्ले करने के लिए एग्री करे। फाइनली वी स्पोक टू सना, हमने डिसाइड किया यू नो दैट सना विल बी एन परफेक्ट चॉइस। इन्होंने मेरे को बोला कि हमने कभी नेगेटिव रोल प्ले नहीं किया है, बट आई लव द सॉन्ग। गुल्डी ने इतना अच्छा कंपोज किया है, लिरिक्स लिखे हैं, गाया है कि आई वुड लव टू यू नो फीचर। हमने काफ़ी टाइम से सोच रहे थे यूनाइटेड पाइपलाइन सना विल वर्क टुगेदर, तो बस ये कहानी यहाँ से शुरू हुई। एंड इज एन सुपर ऑसम ह्यूमन एंड बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने गाना, बहुत अच्छा कंपोज किया और खुद गाया भी है। मल्टी टैलेंटेड हमारे गोल्डी इज ऑल योर्स और ये मतलब सुपर डुपर स्टार है आगे आने के। आप गाना सुनोगे आपको मज़ा आ रहा है, बहुत ही अमेजिंग। जैसे राम जी ने बनाया, बहुत ही अच्छा यू नो पूरा एक जो कैप्सूल बनेगा बनाए गाने का, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छी कॉम्पोजिशन है, फीचरिंग बहुत अच्छी और पूरी एक्टिंग स्किल्स नज़र आ रहे हैं वीडियो में। एक अच्छी एक स्टोरी है यू नो, एज राम जी सेड एक नेगेटिव यू नो, सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड यू लव टू वॉच इट। व्हाट डू यू हैव टू से? एक्चुअली इट्स ऑल अबाउट अ बिट्रेयल सॉन्ग और हमने when I was writing this, तो मैंने सोचा कि I should keep it very clear, simple and very real. जैसे कि not fancy and Bollywood lines anything. So पकड़ी गई तो आके कहती sorry जान। तो ये हमारे जो दिल से जहन से निकलते हैं, जैसे कि मैंने भी धोखे खाए हैं प्यार में बहुत तो मेरे दिल में जो बातें आ रही थी वो मैंने मेरे डायरी में लिखी और सॉन्ग इज़ इन फ्रंट ऑफ यू। और मैंने जाके राम जी भाई को बताया कि भाई ये गाना सुनो कैसा है करवाई। राम जी भाई इमीडिएटली लाइक्ड इट एंड जितिन सर एंड राजेश सर से मुलाकात कराई, हमारी मीटिंग कराई, तब सब वही से ये गाना शुरू हो गया। और अब देखते हैं कैसे गाना। अच्छा सर, नेगेटिव लीड जैसे बताया जी गाने में, ऑफ कोर्स बिट्रेयल सॉन्ग है तो वो एक एक कैरेक्टर है जो बहुत ऑसम है, इट्स गॉट इट्स वेरी लवेबल शेड्स आल्सो। ट्रू। सो हाउ डिड दिस होल एक्सपीरियंस वाज? आई विल टेल यू, आई वाज badly and madly looking out for a negative role, क्योंकि आप मेरे माजी के गाने देखेंगे मुसलसल कोई मुझे छोड़ के जा रहा है, कोई मुझे धोखा दे रहा है, मैं रो रही हूँ। आई एम लाइक नहीं, अब मुझे रोना नहीं, अब मुझे रुलाना है, मुझे कुछ डिफरेंट करना है। एंड आई हैड इन माई माइंड, आई गॉट अ कॉल फ्रॉम सर एंड आई वॉज लाइक यू नो आई एम लुकिंग आउट फॉर नेगेटिव रीड्स। आई सेड सर मुझे पहले करना है, आई रियली वॉन्ट टू डू दैट एंड दैट्स हाउ द सॉन्ग केम टू मी। आई वॉन्टेड टू डू इट एंड आई डिड इट एंड आई मस्ट से बहुत आला सॉन्ग है, कैची सॉन्ग है, जिस तरीके का डायरेक्शन है इट्स वेरी रिच, जिस तरीके का गोल्डी ने बनाया है आई थिंक इट्स किलर सॉन्ग। और एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, मैंने अपनी करियर की शुरुआत भी ना नेगेटिव सॉन्ग से की थी, जो शेरीमान सर का था और वो गाना सुपर डुपर हिट था। अभी मेरा दूसरा नेगेटिव है तो मुझे लग रहा है कि ये भी सुपर डुपर हिट होगा इंशाल्लाह। सो लेट्स होप। या हमारी टीम डे बाई डे बढ़ी रही है, अभी गोल्डी भी हमारी टीम में आ गया, तो देखना नहीं पड़ेगा, मतलब इज़ अ वेरी बिग स्टार बनने को तो हो ही जाएगा, आपको दिखिएगा। एंड साना इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल, इनके साथ में आगे भी काम करेंगे हम इंशाल्लाह। शुक्रिया सर। तो देखिए सॉन्ग कैसे जाता है आप लोग के हाथ में। बस अच्छा बना है सॉन्ग, बहुत अच्छा बना है, राम जी का डायरेक्शन
एज इट इज yes. गोल्डी ने बहुत अच्छा लिखा, बहुत अच्छा गाया और परफॉर्म भी दोनों ने बहुत आला किया. अरे राम जी सर आप एक दफा आला बोले, बहुत उम्दा किया है. आला तो जिनको आला का मतलब नहीं पता है, जो अभी भी समझ नहीं पा रहे, सिंस मेरी जुबान बहुत उर्दू है तो मैं आला बोलती हूँ. आला का मतलब होता है वेरी नाइस. एक दफे आप लोग भी बोलते बहुत आला गाना है. so quick on everything, बहुत अच्छा मतलब he was so involved Sana and they like did so good you know in the takes and everything. इतनी गर्मी भी थी but above in the heat you know they managed everything. crazy गर्मी थी. the videos looking so so good, like one of my favorite videos बन गए खुद के ही list में. it's come out that well. बहुत अच्छा लग रहा है. his swag attitude in इनकी acting मतलब जैसे कि देख चुके हैं हम काफी ज्यादा लकी होते हैं. व्हाट आर यू सेइंग सर? Asking you. My question sir, आपके लिए. Okay, yeah. क्या? Sorry word और रामजी सर कितने लकी साबित होते हैं United Black के लिए, White Black के लिए? सर यू नो कंपनी उनकी है, लकी क्या अपनी है, अपनी हाँ स्टार्ट तो उनने की है, सक्सेस से स्टार्ट किया उनने कंपनी को. सॉरी सर मतलब हमारे आगे भी दो तीन सॉन्ग सॉरी वाले आने वाले हैं. वी आर थिंकिंग दैट सॉरी इज लकी फॉर अस. एंड हम लोग आने वाले समय में यही कास्ट देखेंगे, बिकॉज लास्ट कास्ट में कनिका को देखा था, राज को देखा था, तो सॉरी वर्ड जितने भी आने वाले हैं तो क्या कास्ट होगा नॉर्मल? ये सेम कास्ट तो सॉन्ग के हिसाब से होगा ना, कास्ट सॉन्ग आएगा उसके बाद डिसाइड करेंगे. इस चीज का मुझे भी दुख है सच में. आई वांटेड टू शेयर स्क्रीन विद रामजी सर, इवन आई फील बैड. टाइम के बाद फीचर हुए थे सर, ये सॉन्ग वापस से लाइक मैं थोड़े थोड़े टाइम बाद ही फीचर होता. अभी कितना समय लगेगा, कितना वेट करना पड़ेगा? आई आल्सो डोंट नो बट आई विल डू इट सून. हां बोलेंगे तो अभी कर देंगे नेक्स्ट सॉन्ग में. दीजिए सर 10 मिलियन चला जाएगा. आप बोलिए ना. आप खबर तेरी हर बातों का तुम जो छुपाते हो, मेरे पीछे औरों से भी इश्क लड़ाते हो. तेरी झूठी बातें झूठे बहाने कैसे मैं मानूं, अब पकड़ी गई तो आके कहंदी सॉरी जानू. ओ मैनू कहंदी सॉरी जानू, मैनू माफ कर देना तू. मैं कहंदा जा रे बेवफा जा, मेरे लायक नहीं है तू. ओ मैनू कहंदी सॉरी जानू, मैनू माफ कर देना तू. मैं कहंदा जा रे बेवफा जा, मेरे लायक नहीं है तू. क्या बात है, बहुत आला. Very nice. Thank you so much. Ala. 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 Yes, yes. Which was leading us? Yeah.